हाँ जी, किवें हो सारे? तो दोस्तों अज अपनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का चौथा दिन है। तो दोस्तों अज आप इस वीडियो में पास्ट इनडेफिनेट टेंस के रूल सीखने वाले हाँ। तो दोस्तों पहला आप इनडेफिनेट टेंस की सीरी खत्म करांगे, तो फिर कंटीन्यूअस, तो फिर परफेक्ट, तो फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस, स्टेप बाय स्टेप आप सारे टेंस क्लीयर करांगे। सो अज आप इस वीडियो में पास्ट इनडेफिनेट टेंस सीखने वाले हाँ। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए आप इस वीडियो च अगे वधदे हाँ। अगे वधन तो पहला अगर तुसी अपने इस चैनल पर नवे हो तो अपने इस चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लियो, तो वीडियो वधिया लगण ते इस नू लाइक ते शेयर जरूर करियो। दोस्तों पास्ट इनडेफिनेट टेंस विच जो काम पास्ट मतलब कि बीत गए समय विच होया वो हुंदा है, ते इस विच समा श्योर नहीं हुंदा ते ना ही टाइम कि ये काम कदों होया। ते पास्ट इनडेफिनेट टेंस की पहचान जिन्हां पंजाबी दे वाकां दे लास्ट ते दा सी दे सन दियां सन ते साउंड्स विच आ ई ए तां ती ते आवे ओ पास्ट इनडेफिनेट दे टेंस होणगे। दोस्तों दा सी दे सन ते दियां सन जिथे भी लिखती रूप विच लिखिया आवे उत्थे तुसीं समझ आयो ये पास्ट इनडेफिनेट दा ही टेंस है, ते जिथे आ ई ए तां ती ते आवे ओ साउंड्स मीनस आवाजा होणगियां। इहनां आवाजां दे आधार ते ही तुसी पास्ट इनडेफिनेट टेंस बनाउणा है। ते वीडियो दे अगे जा के आपां इहनां नूं होर बरीकी नाल समझ आवांगे। सो हुण तुसी पास्ट इनडेफिनेट टेंस दे रूल नूं नोट कर लवो। पास्ट इनडेफिनेट टेंस दा सिंपल सेंटेंस बनाउण लई पहला सबजैक्ट लगेगा ते फिर वर्ब दी सैकेंड फॉर्म लगेगी। ते नैगेटिव रूल बनाउण लई पहला सबजैक्ट लगेगा ते फिर डिड लगेगा ते फिर थर्ड नंबर ते नॉट लगेगा ते फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ते दोस्तों डू डज आपां प्रेजेंट इनडेफिनेट वाली वीडियोज़ दे विच पढ़िया सी, सो इस वीडियो विच उसे दा पार्ट डिड आवेगा। ते दोस्तों सिंपल सेंटेंस विच वर्ब दी सेकंड फॉर्म लगेगी ते नेगेटिव सेंटेंस विच वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ते इहना फर्स्ट सेकंड ते थर्ड फॉर्म ते मैं पहला तो ही 4 to 5 वीडियोस बनाईया ने, ते जेकर तुसी ओ वीडियोस अजे तक नहीं देखियां तां जरूर देख लियो, उहना दे लिंक तुहानू नीचे डिस्क्रिप्शन विच मिल जाणगे। ते दोस्तों दूसरी चीज़ तुसी इत्थे नोट करो कि इहना दोनों सेंटेंस सिंपल ते नेगेटिव विच सब्जेक्ट सिंगुलर जां प्लूरल दा कोई भी चक्कर नहीं है। तुसी सेंटेंस बनाउण लई एहो ही फॉर्मूला लाउणा है, भावें तुहाडा सब्जेक्ट सिंगुलर है जां प्लूरल फॉर्मूला एहो ही रहेगा। ते बाकी जिथे भी डिड आवे उत्थे वर्ब दी फस्ट फॉर्म ही लाउणी है। ते दोस्तों इत्थे तुसी एक चीज़ होर नोट करो, वर्ब दी सैकेंड फॉर्म सिर्फ ते सिर्फ पास्ट इनडेफिनेट टेंस विच ही यूज़ हुंदी है, होर किसी भी टेंस विच वर्ब दी सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं हुंदी है। सो तुसी पास्ट इनडेफिनेट टेंस विच इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना। ते चलो हुण आपां एग्जाम्पल नाल इन्हां नूं होर चंगी तरह समझदे हाँ। इत्थे एग्जाम्पल है ओ खेड़दा सी, इत्थे अपना सबजैक्ट ओ है, इसलिए इत्थे ही लगेगा क्योंकि इत्थे एक मुंडे दी गल हो रही है। ते दोस्तों फिर आपां इस पंजाबी दे सेंटेंस दे लास्ट ते चले जावांगे। इत्थे तुसी एक चीज़ होर नोट करो, सेंटेंस दी पहचान करना जरूरी है, जिवें कि तुहानू पहलां ही इस रूल दी पहचान दसी है कि जिस पंजाबी दे सेंटेंस दे लास्ट विच दा सी दे सन दियां सन जां आ ई ए तां ती ते आवे ਉਹ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ। ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਪਲੇਅਰਡ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ ਪਲੇਅਰਡ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ही दी जगह ते वी दे आदि कुछ भी ला सकते हाँ अपने सब्जेक्ट विच्चों, जिमें कि असी खेलते सी वी प्लेयर्ड, वो खेलते सन दे प्लेयर्ड। तो दोस्तों हुण आपां नैगेटिव रूल बारे भी जान लेंदे हाँ। फॉर्मूला तां तुहानूं दस्या ही है कि पहला सब्जेक्ट लगेगा, फिर डिड लगेगा, तो फिर थर्ड नंबर ते नॉट, फिर वर्ब दी फस्ट फॉर्म। तो आप इत्थे एग्जाम्पल लेंदे हाँ, वह नहीं खेड़दा सी। पहला आप इत्थे सब्जेक्ट लावांगे रूल दे मुताबिक, कोई भी सिंगुलर जां प्लूरल, ते फिर डिड लिखांगे, ते फिर थर्ड नंबर ते नॉट, ते फिर लास्ट ते वर्ब दी फस्ट फॉर्म लिखांगे। तो इस तरह ये अपना पास्ट इनडेफिनेट दा नैगेटिव रूल भी बन जाएगा। ही डिड नॉट प्ले, असी नहीं खेलते हाँ, वी डिड नॉट प्ले। तो दोस्तों ये सी दा सी, दे सी, दे सन, ते दियां सन दी पहचान नाल किवें रूल बनाने हन, ते हुण आपां साउंड्स दी किवें पहचान करनी है, ते किवें रूल बनाने हन ये जान लेंदे हाँ। जिवें कि आपां इत्थे एग्जाम्पल लेंदे हाँ, मैं पुछिया, इस एग्जाम्पल दे लास्ट विच देखो आ लिखिया आ रहा है, आ एक साउंड भी है, ते ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस विच आवेगी। ते इत्थे अपना सब्जेक्ट मैं है, ते इत्थे आपां आई लिखांगे, ते फिर वर्ब दी सेकंड फॉर्म लावांगे आस्केड, आई आस्केड, मैं पुछया। ते इस तरह आपां होर भी एग्जाम्पल लेंदे हाँ जिन्हां मगर ए वालियां साउंड्स आउंदियां ने, जिवें कि परौणे आए, इस सेंटेंस दे लास्ट विच ईडी नूं लाम आ रही है, ते जिवें कि अपने रूल दे मुताबिक ए सेंटेंस भी पास्ट इनडेफिनेट विच आएगा। ते ओही फॉर्मूला, पहला सब्जेक्ट फिर वर्ब दी सेकंड फॉर्म, द गेस्ट कैम। ते दोस्तों इत्थे दा दा यूज क्यों किया गया है, ये आने वाली आपां वीडियोस दे विच समझ जावांगे जदों मैं तुहाडे लई आर्टिकल दे नाल रिलेटेड वीडियोस लैके आवांगा। सो उदों तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब करके रखियो तां कि तुसी उस वीडियो तक भी पहुँच सको। असी मोबाइल वेचिया, वी सेल्ड द मोबाइल। तो इस तरह लास्ट विच कीता, कीती, चोना आदि दे शब्द आन, वो पास्ट इनडेफिनेट टेंस विच ही आनगे। तो दोस्तों कई सेंटेंस तुहानू इदां दे भी मिलणगे जिथे ए वाले अक्षर तो नहीं लिखे होणगे, पर जिवें कि तुहानू दस्या है कि इन्हां दी साउंड्स तो ही तुहानू पता लाउणा पवेगा कि ये सेंटेंस पास्ट इनडेफिनेट दा है। बाकी कोई गल नहीं, जदों मैं तुहाडे लई डे 15 वाली वीडियोस लैके आवांगा उहदे विच तुहाडे सारे डाउट क्लीयर कर देंगा, ते तुसी तुहाडे माइंड च कोई भी इहो जी कन्फ्यूजिंग नहीं रह जाएगी। ते दोस्तों इन्हां सेंटेंस नूं इंटरोगेटिव बनाउण लई अपनी हैल्पिंग वर्ब डिड नूं ही पहला लाउणा हुंदा है, ते अपना ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। जिवें कि अपनी इत्थे एग्जाम्पल है कि वह खेडदा है, डिड ही प्ले। ते बाकी तुसी दोस्तों इस दे नाल होर वड्डे भी सेंटेंस बना सकते हो, ते बाकी तुसी पुट्ठा चलो रूल नूं ना भुल्लियो, वह भी तुसी इस दे उत्ते ही लागू करना है। ते दोस्तों ये सी पास्ट इनडेफिनेट टेंस दे रूल, ते उम्मीद है तुसी इन्हां सारे रूल्स नूं चंगी तरह समझ गए होवोगे। ते एक बार तुसी इन्हां नूं याद किवें करना है इस ते भी निगाह मार लो। जिन्हां पंजाबी दे वाकां मगर दा सी, दे सी, दे सन, ते दियां सन, आ ई ए तां ती ते आवे, ओ पास्ट इनडेफिनेट टेंस विच रूल आउणगे। इहनां दा सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी सैकंड फॉर्म, ते नैगेटिव फॉर्मूला है सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब दी फस्ट फॉर्म। इस रूल विच सब्जेक्ट कोई भी होवे, सिंगुलर जां प्लूरल, रूल चेंज नहीं होणगे। ते वर्ब दी सैकंड फॉर्म पास्ट इनडेफिनेट टेंस विच ही यूज होवेगी, होर किते भी ये यूज नहीं होवेगी। ते दोस्तों एक बार तुसी इहना वर्ब फॉर्म्स ते भी निगाह मार लो, ये कुछ इस तरह होंदियां ने। ते इहना विच्चों जिहड़ी सैकंड फॉर्म है ना, वो वाली इस पास्ट इनडेफिनेट टेंस विच यूज होंदी है। ते दोस्तों इस रूल विच बस इन्ना ही। ते दोस्तों ये है तुहाडा अज दा कमेंट वर्क, जो तुसी अपनी नोटबुक विच नोट करना है, ते इन्हां पंजाबी दे वाकां नूं तुसी इंग्लिश विच बनाउणा है जिस तरह तुहानूं अज इस वीडियो विच रूल दसे गए ने, ठीक उसे दे हिसाब नाल।
तो ये रूल तुसी नोटबुक ते बनाउण तो बाद विच मैनू कमेंट करके भी भेजियो, तो अगर तुसी कोई गलती करोगे तो मैं तुहानू उत्थे ही कमेंट बॉक्स विच दस देंगा। तो चलो ठीक है दोस्तों, हुण अपनी डे फोर्थ दी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास विच बस इन्ना ही। तो अगर तुहानू ये वीडियो वधिया लगी, इनफॉर्मेटिव लगी, तो अपना तुसी प्यारा जिहा लाइक इस वीडियो नू जरूर दिओ, ते अपने जान पहचान वालिया नाल अपनी ये वीडियो जरूर शेयर करियो, ते उहनां नू दस्सियो कि अपने मिस्टर तजिंदर सिंह यूट्यूब चैनल ते सौखी पंजाबी विच इंग्लिश स्पीकिंग दा कोर्स शुरू हो गया है, ते ओह वी नाल दी नाल ज्वाइन कर लैण। फ्यूचर विच आपां होर भी बहुत मज़ेदार ते इंट्रस्टिंग वीडियोज़ लैके आउण वाले हाँ। ते बाकी जेकर तुसी अपने इस चैनल ते नवें हो तो अपने इस चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लेना, ते अगर तुसी पहला तो कर लिया है तो तुहाडा उस लई बहुत बहुत धन्नवाद। ते हुण अपनी ये वीडियो इत्थे ही समाप्त हुंदी है, ते आपां तुहानू फिर मिलांगे वीडियो फाइवथ विच। उदों तक लई सत श्री अकाल, गुड बाय।